है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस टीवी पर। मैं हूं आपके साथ मनाल खान। सीएबी और एनआरसी के विरोध में पूरे भारतवर्ष में चल रहा माहौल को ध्यान में रखकर शहर फिरोजाबाद में भी शांति, अमन व चैन कायम रहे, इसके लिए शहर के मौलाना व मुफ्ती और जनता ने दुआएं मांगी। आज शहर फिरोजाबाद के मोहल्ला हुसैनी में देश के हालात को ध्यान में रखकर मुस्लिम समाज के मौलाना व भारी संख्या की तादाद में मिलकर शहर में शांति, अमन व चैन कायम रखने के लिए इकट्ठा होकर सभी लोगों ने एक साथ दुआएं मांगी। मौलाना शफी साहब, मौलाना इश्तियाक साहब, मौलाना तनवीर साहब आदि ने शहर फिरोजाबाद की जनता को शहर में शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए अपील की। ऐसे अपील की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अमन पैदा फरमा दे और किसी को कोई तकलीफ ना हो, और हमारे मुल्क में जो लोग अमन में खलल डालने वाले हैं उनको हिदायत दे दे, उनको अकल दे दे, समझ दे दे, जिससे ये मुल्क जो है सही रास्ते पर चलता चला जाए। अभी तक हमारे मुल्क में सारे लोग मोहब्बत से रह रहे थे और मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बीच में आ गए हैं कि जो ऐसी बातें करते हैं कि जिससे अमन में खलल पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अमन के दाई हैं और अमन के शैदाई हैं और हम अमन चाहते हैं। हमारी शुरू बात अमन और आखिरी बात भी हमारी अमन। ग्राउंड के अंदर तस्वीर ले आए, रास्ते बिल्कुल क्लियर, रहते बिल्कुल क्लियर। हजरात, एक आपसे मुआवजे वाला इल्तिमास है कि आप सभी हजरात जो भी रोड पर खड़े हो, इधर उधर वो खड़े ना हो, और अपने एहतराम के साथ वो आकर के जिस जगह पे आपको मुतय्यन है, अल्लाह से रब्बुल इज्जत से मांगने के लिए आपको बुलाया गया है, उस जगह पे आप मुतय्यन है, मुकर्रर है, आज जगह पे आकर आप हजरात बिल्कुल जो है सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी पर हमें नहीं यकीन है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि तमाम उलमा की जानिब से कि आप हजरात जो रोड पे खड़े हैं वो सभी हजरात रोड को बिल्कुल क्लियर छोड़ दें, रास्ता जाने आने वाले को हमारी जात से किसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है, हम अमन वाले लोग हैं, हम अमन को पसंद करते हैं। इसलिए आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि कोई भी नारे नहीं लगाएगा, किसी भी तरह के नारे नहीं लगाए जाएंगे। खेत के पास से कुछ हजरात जगह को खाली कर दे, जिससे हमारे उलमा इकराम, हमारी शान, शहर काजी हजरत मौलाना शफी साहब, मौलाना इश्तियाक साहब, हजरत मौलाना तनवीर अहमद साहब, हम चाहते हैं सब लोग मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे और सबकी जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजरे, सबके लाडले मौजूद रहे और किसी को कोई तकलीफ ना हो किसी तरह की। इसलिए हम अपनी हुकूमत से भी और हम अपने दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों से भी इस बात की दरख्वास्त करते हैं, खुदारा इस प्यारे मुल्क को बर्बाद ना करें, इस मुल्क को खराब ना करें। हमारे अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में आपस में मेल मिलाप है, यकजहती है, रवादारी है। हम सब एक दूसरे के शादी ब्याह में शरीक होते हैं, हम सब एक दूसरे के मरने में शरीक होते हैं, हम सब एक दूसरे के जय दूसरे की जय हर चीज़ में शरीक होते हैं। तो लिहाजा हमारे अंदर ये प्यार है, हमारे इस प्यार को बाकी रहने दें और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे तकलीफ पहुंचे किसी को। हम किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते, हम प्यार चाहते हैं, अमन चाहते हैं, खैरियत चाहते हैं हम अमन। और इस वक्त हम एक ऐसे दो राहे पर खड़े हुए हैं कि हम इस वक्त हम सिर्फ अपने पैदा करने वाले वहदहू ला शरीक अल्लाह जल्ला जलालहू से अपनी लौ लगाते हैं, वही हमारी दुआ सुनेगा और हमारे हालात बनाएगा। हमारा ये यकीन है कि जिस तरह से आप बटन दबाकर पंखा चला देते हैं, इसी तरीके से इन सारी चीज़ों का बटन अल्लाह के हाथ में है, वो जिधर चाहेगा जैसे चाहेगा दुनिया में हालात पैदा कर देगा। हम इस वक्त अपने रब से मांग रहे हैं, किसी से नहीं मांग रहे, उसी के सामने आंसू बहाएंगे। ये सारे हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि सब दुआ में खूब मोहब्बत से शरीक हो और खूब आंसू बहाकर अल्लाह से दुआ मांगें
अमन की, खैरियत की और सबकी भलाई की, ताकि जो इसका अच्छा पैगाम जाए बाहर। व आखिर दावाना कि दुआ के बाद जो आपका दिल चूँकि अल्लाह से लगा होगा, इसलिए आप चुपचाप खामोशी से दुकान पर जाना हो दुकान पर जाइए, अगर घर पर जाना हो घर पर जाइए, आपको जहाँ जाना हो, कोई भी आदमी एक भी नारा ना लगाए, बिल्कुल खामोशी के साथ जाए। जभी तो हमारा ये पैगाम आम होगा, जभी तो हमारी बात अच्छी सुनी जाएगी। इसलिए जो है बहुत मोहब्बत के साथ बाद में जाए। अल्लाह ताला से अपील की कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में हमारे शहर में अमन पैदा फरमा दे और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, और हमारे मुल्क में जो लोग अमन में खलल डालने वाले हैं उनको हिदायत दे दे, उनको अकल दे दे, समझ दे दे, जिससे ये मुल्क जो है सही रास्ते पर चलता चला जाए। अभी तक हमारे मुल्क में सारे लोग मोहब्बत से रह रहे थे और मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी बीच में आ गए हैं कि जो ऐसी बातें करते हैं कि जिससे अमन में खलल पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अमन के दाई हैं और अमन के शैदाई हैं, और हम अमन चाहते हैं। हमारी शुरू बात अमन और आखिरी बात भी हमारी अमन। क्या क्या अपील की है लोगों, अपील क्या की है आपने लोगों से, जो यहाँ भीड़ आई थी उनसे क्या अपील की है आपकी? अपील हमने उनसे ये की है कि आप जिस तरह यहाँ आए हैं मोहब्बत से, वैसे ही मोहब्बत से आप वापस जाएं, और किसी किस्म का नारा ना लगाएं, किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ये जो एक कानून पास हुआ है CAB, जो एक्ट बन गया है CAA,
इस कानून के ख़िलाफ़ हमने पुरअमन अपने अल्लाह से दुआ की है। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन आज हमने महल्ला हुसैनी के ग्राउंड में अपने अल्लाह के सामने दुआ की है और हम आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से हुक्मरानों तक और इक्तदार वाले लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून संविधान के ख़िलाफ़ है। हमारी हिंदुस्तान की जो यकजहती रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये इसके भी ख़िलाफ़ है।